students, today we'll do the last paragraph of this chapter, paragraph number 8. So listen to me very carefully. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Okay, now we'll do the words meaning. Firm means pukhta. Magnitude magnitude means ahmiyat aur azmat bhi aap keh sakte ho. Azmat. Barrier means rukawat. Mention zikr karna. Prove. Sabit karna. Foe means dushman. Dushman bhi hota aur dushmani bhi keh sakte ho. Favor tarafdari. Activity sargarmi. Last word, aspect means pehlu. Now we'll do the translation. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne apni misal se sabit kiya that no one could be more firm for justice than him. कि कोई भी इंसाफ के लिए इनसे बढ़कर नहीं हो सकता. इवन इफ़ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम. चाहे वो आपकी ज़ात के या आपके मुफाद के ख़िलाफ़ ही हो या उन लोगों के ख़िलाफ़ हो जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं. He decided every case brought to him. और जो भी आपके पास मुकदमा आता जो भी he decided every case brought to him जो भी आपके पास मुकदमा आता तो आप उसका फ़ैसला करते by friend or foe with justice. चाहे वो किसी दोस्त की तरफ से आता चाहे दुश्मन की तरफ से आता तो आप इंसाफ के साथ फ़ैसला करते थे. जिसको इस तरह कहेंगे कि जो भी मामला किसी दोस्त या दुश्मन की तरफ से आपके पास लाया जाता तो आप इंसाफ पर क्या कह सकते हैं इंसाफ की बेस पर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उनका फ़ैसला करते थे. विदाउट फियर ऑफ फेवर बग़ैर किसी डर या तरफदारी के. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. ऐसी अहमियत का हामिल शख्स
वक्त और मुकाम की रुकावटों को अबूर कर देता है। यहाँ पे लिखा रुकावट, अजमत या अहमियत, अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स। टाइम होगा वक्त और स्पेस होगा मुकाम। तो ऐसी अहमियत का हामिल शख्स वक्त और मुकाम की तमाम रुकावटों को अबूर कर जाता है। ट्रांसेंड्स होगा अबूर करना। तो ऐसी अहमियत के हामिल शख्स वक्त और मुकाम की तमाम रुकावटों को अबूर कर जाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रूव देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तमाम अदवार के लोग, द पीपल ऑफ ऑल एजेस का मतलब हर दौर के लोग, तो आप दौर की जमा अदवार है, तो तमाम अदवार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, तो और उन्हें आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, जो भी उन्होंने किया तो आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करते हुए वो कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोबारा से रिपीट करूँगी कि तमाम अदवार के लोग आपकी ज़िंदगी से अमल के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में रहनुमाई के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मैंशन दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, और कुरान पाक आपकी ज़िंदगी के इस सिफ्त को इस पहलू से बयान करते हैं। इन डीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड द रिमेंबर्स अल्लाह मच। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। इन डीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जांपल, बिलाशुबा तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक शख्स मौजूद है। ठीक है, एक शख्स मौजूद है टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जिसकी तकलीद आप कर सकते हैं, जिसकी पैरवी करने के लिए एक अच्छी मिसाल आपके पास मौजूद है। ठीक है, जो अल्लाह से मुलाकात, मीटिंग विद का मतलब मुलाकात, जो अल्लाह से मुलाकात एंड द लास्ट डे एंड द रिमेंबर्स अल्लाह मच, और रोज़े क़ियामत की तवक्को रखता है और अल्लाह को खूब याद करता है। ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूँ इसी लाइंस को दोबारा से कि बिलाशुबा आपके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो अल्लाह के साथ मुलाकात और रोज़े क़ियामत की तवक्को रखता है और अल्लाह को खूब याद करता है। ओके, सो यू हैव टू रीड आउट द होल पैराग्राफ विद उर्दू ट्रांसलेशन। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, सो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू।